नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं इन खबर। इंदौर से भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर आई है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे मुकाबले में 100 रनों से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है और दूसरे वनडे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। साथ ही नंबर 1 रैंकिंग अब भारतीय टीम का बना रहेगा। शिवांश जी, बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा कि पहले ओडीआई में भी भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और साथ ही साथ सेकेंड ओडीआई में भी भारत का प्रदर्शन सराहनीय था। जैसा कि हमने देखा, आज बल्लेबाजी धुआंधार हुई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं अपने इतिहास में। इंदौर का मैदान जो कि बल्लेबाजों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर बल्लेबाज खूब रन बनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि गलत साबित हुआ। और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम ने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के शतक के दम पर 399 रनों का भारी भरकम स्कोर खड़ा किया था और ऑस्ट्रेलिया को 400 रनों की लक्ष्य टारगेट दिया गया था। लेकिन रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत खराब रही और दो बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉट ये दोनों सस्ते में निपट गए और ऑस्ट्रेलिया टीम पर दबाव आ गई, जिसके बाद फिर से मैच को बारिश की वजह से रोका गया। फिर से दोबारा से खेल शुरुआत हुई और ओवर में कटौती के कारण 33 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 317 रनों का लक्ष्य दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम हासिल नहीं कर पाई। हालांकि अंतिम के समय सीन एबॉट और जोस हेजलवुड ने खूब कोशिश की जिताने की मैच, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम मैच 100 रनों से हार गई। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि हम देख रहे थे कि पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव बना हुआ था, भले ही हम बात करें बल्लेबाजी की या गेंदबाजों की। हमारे गेंदबाजों ने 10 विकेटें ले ली, ये भी बहुत बड़ी बात है। 33 ओवरों के पहले ही बारिश के कारण ओवरों में कटौती करी गई थी और 50 ओवरों से 33 ओवरों पर घटाया गया था। 400 रनों का टारगेट मिला था पहले 50 ओवरों में, पर उसे घटाकर 317 कर दिया गया था। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं जीत पाई। वैसे देखा जाए तो सचिन, 33 ओवरों में 317 रन भी बहुत महत्व रखते हैं। 33 ओवर में 317 रन, ये तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य था। मुझे तो लगता है अगर 50 ओवर भी उन्हें अगर खेलने को मिलती तो ऑस्ट्रेलिया टीम 317 रन नहीं बना सकती थी, क्योंकि उनके शुरुआती के बल्लेबाज जो थे वो शुरू में ही पेवेलियन लौट गए थे, पावर प्ले के अंदर ही वो पेवेलियन लौट चुके थे। तो ऑस्ट्रेलिया टीम पर संकट तो शुरू से ही आ गया था, तो उनके लिए रन बनाना तो आसान था नहीं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर हम बात करें भारतीय बल्लेबाजी की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुभमन गिल ने जिन्होंने 104 रन बनाए हैं, वहीं श्रेयस अय्यर की बात करें तो उन्होंने 105 बनाए हैं। इस मैच में दो शतक देखने के मिले हैं और एक अर्धशतक। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही मैच में कि सीनियर खिलाड़ी न होने के बावजूद टीम ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है। आपको जी जानकारी दे दूं कि टीम में विराट कोहली न रोहित शर्मा नियमित कप्तान जो है वो भी नहीं खेल रहे थे, लेकिन तीसरे वनडे मैच में उनकी वापसी हो जाएगी। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम पर और दबाव बढ़ सकती है, क्योंकि उस टीम में तो तीसरे वनडे मैच में तो विराट कोहली भी खेलेंगे, रोहित शर्मा भी खेलेंगे, तो दबाव तो बढ़ना जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया टीम पर। जी, यही बात हमने पहले ओडीआई में भी करी थी कि सीनियर प्लेयर के ना होते हुए भी हमारी भारतीय टीम ने कितना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। जैसा कि हमने देखा कि भारतीय टीम के प्रदर्शन में ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला, हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वही हम देख लें तो सूर्य कुमार यादव स्काई शॉट, आज उनके शॉट जो देखने को मिले हैं, जी बिल्कुल, हर तरह के लगातार दूसरे वनडे में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली है और अपनी टीम में जगह बनाने की कोशिश की है और हुंकार भर दी है कि मैं विश्व कप खेलने के लिए तैयार हूँ। वही नंबर 4 का पोजीशन भी श्रेयस अय्यर लगभग फिक्स माना जा रहा है उनका, क्योंकि उन्होंने भी शतक ठोक कर यह दावेदारी ठोक दी है कि मैं नंबर 4 पर खेलने के लिए तैयार हूं और विश्व कप में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हूं। आप क्या कहेंगे शिवांशी इस पर? जी बिल्कुल, श्रेयस अय्यर को बिल्कुल सराहने की जरूरत है, क्योंकि वो अच्छे बैटर हैं, वो कैपेबल हैं, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है यहाँ पर। वही हम बात करें गिल की, तो गिल के क्या ही कहने, गिल हर मैच में चल रहे हैं, भले हम बात करें एशिया कप के या भले हम बात करें यहाँ दोनों ओडीआई में, उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। वही अगर गेंदबाजी की बात करें तो आर अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों ने 3-3 विकेट लिए हैं। अश्विन को लगभग 2 साल बाद वनडे टीम में वापसी करने का मौका मिला, पहले वनडे में उन्हें 1 विकेट मिला था और दूसरे वनडे में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं। तो एक तरह से उन्होंने भी दावेदारी ठोक दिया विश्व कप के लिए कि हाँ, मैं विश्व कप खेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि उन्हें विश्व कप टीम में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता है तो जरूर अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे शमी की, जिन्होंने पहले ओडीआई में बहुत अच्छी विकेटें ली थी, 5 विकेटें ली थी उन्होंने, लेकिन आज वो थोड़े शांत रहे, उन्होंने सिर्फ 1 विकेट में अपने हाथ उजमाए।
तो एक बार फिर से आपको जानकारी दे रहा हूं कि मैं दूसरा वनडे मैच जीतकर भारत ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है और तीसरा वनडे मैच राजकोट में खेला जाएगा। उसके बाद भारतीय टीम सीधा विश्व कप के लिए उड़ान भरेगी। वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की तो उन्होंने रनों का पीछा करने उतरी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के सिर्फ दो बल्लेबाज 50 रनों का आंकड़ा पार कर पाए, एक डेविड वार्नर और दूसरा सीन एबॉट। उन्होंने सीन एबॉट ने अंतिम के क्षणों में भरपूर कोशिश की टीम को जिताने की, लेकिन टीम को जिता नहीं पाए और 100 रनों से भारतीय ऑस्ट्रेलिया टीम को हार का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, हम बात करें उनकी बैटिंग की तो उनकी बैटिंग इस समय भी अच्छी नहीं रही है, ना पहले ODI में अच्छी थी। इनकी बैटिंग को देखें तो सिर्फ वार्नर जो हैं वही अच्छे चले हैं आज, उन्होंने ही अपना काम करा है। बट देखा जाए तो उनकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। देखेंगे कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम में डीप तक बैटिंग है, हेजलवुड भी कोशिश कर रहे थे जिताने के लिए बट असमर्थ रहे, लेकिन तब भी हमारे भारतीय गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जी, ये प्रदर्शन से तो हम लोग बहुत खुश हैं, भारतीय टीम ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब तीसरा वनडे राजकोट में खेला जाएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या भारतीय टीम 3-0 से सीरीज पर कब्जा करती है या फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम पलटवार करती है, ये देखना होगा। तब तक के लिए खबर में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए इन खबर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।